नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। तो चले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। पौध पोषण अनुसंधान पर युवा कृषि वैज्ञानिक मोजेक कंपनी फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित। पौध पोषण पर विशेष अनुसंधान के लिए मोजेक कंपनी फाउंडेशन द्वारा युवा वैज्ञानिकों को एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। आज यह अवार्ड समारोह SM सहगल फाउंडेशन गुरुग्राम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इसके लिए देश भर के कृषि वैज्ञानिकों के नए व प्रामाणिक शोध कार्यों के आधार पर ज्यूरी द्वारा वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है। इस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर MC मीना और डॉक्टर मोहम्मद शाहिद को प्रदान किया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरेट थीसिस पुरस्कार डॉक्टर देवरूप दास, डॉक्टर नंदकिशोर थोम्बड़े और डॉक्टर भाग्य ऋषि नाडकुड़ी को प्रदान किया गया। पुरस्कार में नकद राशि, प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण पदक और ब्लेजर दिया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मोजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बैन प्रेट ने पुरस्कृत कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी और कृषि विज्ञान में लगातार शोध करने की प्रेरणा दी। तथा डॉक्टर JC कतियाल, पूर्व कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ने कार्यक्रम में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, किसानों और स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया ताकि वो कृषि की आधुनिक तकनीकों पर शोध कर बेहतर कृषि उत्पादन में योगदान दें। इस समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय मृदा विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय उर्वरक संघ, अंतर्राष्ट्रीय जस्ता संघ, IPNI, CIMMYT से प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और राज्य केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए। मोजेक इंडिया और SM सहगल फाउंडेशन साल सन 2008 से कृषि ज्योति परियोजना के तहत कृषि विकास, जल संरक्षण व स्कूल नवीनीकरण का कार्य कर रहा है। ये परियोजना हरियाणा के नूह, राजस्थान के अलवर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 155 गांवों में 14 वर्षों से कार्यरत है और आगे आने वाले सालों में ये परियोजना ग्रामीणों के जीवन में रोशनी फैलाती रहेगी। सहगल फाउंडेशन का 11 स्टेट्स में काम कर रहा है। खेती बाड़ी का काम करते हैं हम, खेती का किसानों को सिखाने के लिए कि जो प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ाने के लिए, जो खेती बाड़ी है उसको बढ़ाने के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत फोकस करते हैं। कैसे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एग्रीकल्चर करनी चाहिए उसमें हम काफ़ी काम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा काम जो है वो पानी में काफ़ी काम, क्योंकि पानी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हैं आज के दिन कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ कभी कम बारिश हो रही है। तो हमारा मकसद पूरा यही है कि हर एक जहाँ पे जहाँ भी पानी बच सके हमें पानी बचाना चाहिए, और किसान पे हो, खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, गांव का पानी गांव में रहना चाहिए, घर का पानी घर में, ऐसे हम काम करते हैं। कृषि ज्योति हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है सहगल फाउंडेशन और मोजेक के साथ मिलकर, और इसके साथ हम 13 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, जहाँ किसानों की आमदनी कोई 25-30% बढ़ गई है इन जहाँ जहाँ हमने काम किया है। अभी मेरे एक किसान भाई बता रहे थे यहाँ पे कि उनके गांव में उन्होंने देखा हुआ है कि कृषि ज्योति का काम कैसे अच्छी तरह चल रहा है, और इसी तरह बाजू वाले गाँव, दूसरे गाँव लोग भी आ रहे हैं सामने कि वहाँ भी कृषि ज्योति का काम चलना चाहिए। हम इसमें काफ़ी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं, जहाँ के सॉइल का काम साहब ने सॉइल के बारे में बताया, जो मिट्टी को देखना, मिट्टी में क्या कमी है सबसे पहले वहीं शुरू होती है, तो क्या विटामिन उसमें डालने, कौन सा प्रोडक्ट उसमें डालना चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, अच्छा बीज लेना चाहिए किसानों को, और उसके बाद जो जब उनका क्रॉप ऊपर आ जाता है उसको देखना है कि कौन कौन से अच्छी तरह जो पैकेज जो प्रैक्टिस बोला जाता है लोग किसानों को उनके बारे में बताते हैं। हिंदी में जना, हमने 2014 में इस अवार्ड को हमने शुरू किया था मोजेक फाउंडेशन के द्वारा। इसका एक मुख्य कारण था, राइट, हमने जब देखा था कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जमीन की मात्रा जो है जहाँ पे खेती करते हैं वो कम होती जा रही है, तो उसी जमीन में ज्यादा उपजाऊ प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जमीन की गुणवत्ता जो है, जैसे सॉइल हेल्थ है, उसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी इस हिसाब से हमने क्या किया था, ये मोजेक फाउंडेशन अवार्ड शुरू किया था, जहाँ पे अपने देश के जो साइंटिस्ट हैं,
जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते थे कि वो इस सॉयल हेल्थ या प्लांट न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में वो अपनी रिसर्च कर, और उसी रिसर्च को हम बढ़ावा देने के लिए अवार्ड देते हैं। सो दुनिया अपने देश में सभी साइंटिस्ट के रिसर्च को यहाँ पे वो सबमिट करते हैं फाउंडेशन अवार्ड के लिए, और उस अवार्ड में फिर एक जूरी है जो उसको सेलेक्ट करता है सबसे बेहतरीन जो रिसर्च है सॉयल हेल्थ के लिए। तो उसको फिर इस फाउंडेशन अवार्ड में 3 साइंटिस्ट जो है उनको ये अवार्ड हर साल मिलता है। करीबन 30 साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च सबमिट किया था और उन्होंने अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। उसमें से 3 साइंटिस्ट हैं और 1 महिला साइंटिस्ट भी है। इसमें स्पेशल अवार्ड हमने जो दिया है महिला साइंटिस्ट के लिए, हमने एक नया कैटेगरी बनाया है फॉर वुमेन साइंटिस्ट के लिए। ये एक बढ़ावा देने का है कि आज अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका महिलाएं भी देती है, और उन्हीं के रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमने ये महिलाओं के लिए अलग से एक अवार्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया है। ये फुल डॉक्टरल रिसर्च जो उस मैंने जो बताया था आपको कि सॉइल हेल्थ और प्लांट न्यूट्रिएंट उसके क्षेत्र में जो रिसर्च होता है उसके ऊपर अवार्ड दिया जाता है। Mosaic is extremely proud to support this award, just as we are to partner with the Segal Foundation and others in India to help ensure good nutrition, growth of agriculture, and the increasing soil productivity for all of India.